नयाकुंड पुलिया की हालत खस्ता हो गई है, जिससे जानलेवा हादसा होने की संभावना है। 50 साल पहले बना पेंच नदी पर नयाकुंड पुलिया अपनी खस्ता हालत देख रो रहा है। ना दुरुस्ते ना देखभाल। पारशिवनी की ओर से रामटेक की तरफ जाने वाले रोड पर नयाकुंड के पास पेंच नदी पर बनाया गया है पुलिया पिछले महीने पेंच नदी में बाढ़ आने से क्षतिग्रस्त हो गया है। पुलिया की रेलिंग पूरी तरह से पानी के बहाव में टूट गई। वहीं पुलिया पर डांबर का रोड पूरी तरह से उखड़ जाने से जगह जगह रास्ता क्षतिग्रस्त हो चुका है। फिर भी यह रास्ते की मरम्मत ना करते छोटे बड़े वाहनों के आवागमन के लिए खुला किया गया, जो बहुत ही धोखादायक है। जहां आने जाने वाले वाहन पुलिया पर रेलिंग ना होने से नदी में गिर सकते हैं और जान माल का खतरा हो सकता है। इस पुलिया से हजारों वाहन रोजाना आना जाना करते हैं। यहां पर दुर्घटना होने के आसार नजर आते हुए भी यहाँ का सामाजिक पान काम विभाग नागपुर इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। पुलिया पर रेलिंग नहीं होने और रात में अंधेरे से कोई भी वाहन नदी में गिर सकता है। दोन राज्यांना जोडणारा जो मार्ग आहे, अंतर्गत येणारा जो मार्ग आहे, समोरील हा सावनेर पारशिवनी रामटेक आणि इकडून पुढे छिंदवाड्यापर्यंत वर्दळीचा रस्ता तिकडे भंडारापर्यंत जाणारा हा रस्ता असल्यामुळे अत्यंत महत्त्वाचा पूल या पुरामुळे हे वाहून गेलेलं आहे। बॅरिकेड्स वगैरे खड्डे पडलेले आहे आणि पुढे इथे खूप मोठा धोका होऊ शकतो। तर या दृष्टिकोनातून या पुलावर लवकरात लवकर पुलाचे बांधकाम, जे उखरलेलं जे बांधकाम आहे आणि साईडचे जे बॅरिकेड्स आहेत ते पण तुटलेले आहेत, आणि म्हणून ते संबंधित विभागांनी ते काम तातडीने करावे। त्याचबरोबर इथे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून इथे पोलिसांची सुद्धा व्यवस्था इथे करायला पाहिजे, असं या भागातील सर्व जनतेची मागणीसुद्धा आहे। पुलिया क्षतिग्रस्त होते हुए यहाँ पर दिशा दर्शक फलक नहीं लगाए गए, ना ही कोई सिक्योरिटी यहाँ खड़ा किया गया। पुलिया पहले से ही इतना पुराना है कि और बाढ़ आने से कमजोर हो चुका है। फिर भी इस पुलिया की मरम्मत ना करते हुए यहाँ से हजारों वाहनों को जाने दिया जा रहा है। ये बहुत ही धोखादायक होते हुए इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। अधिकारियों ने आनन फानन में यहां का डाबर उखाड़ कर इस रास्ते में और भी मुश्किलें पैदा की। दोनों ओर की नालियां खुदाई कर रखी है, जो जानलेवा है। गुजरने वाले छोटे बड़े वाहन चालक तो जान हथेली पर रख कर ही यहां से आना जाना कर रहे हैं। नदी में पानी छोड़ा गया है। अगर इस नदी में कोई वाहन गिरा तो वह ना तो दिखाई देगा ना उसे बचाया जा सकता है। इस तरह की इस पुलिया की हालत है। या ठिकाणी जे वाहतूक होते है, जे दळणवळण होते है, ते लोक अक्षरशः जीव मुठीत घेऊन या पुलावरून येणं जाणं करीत आहे। परंतु गेल्या तारखेपासून एवढ्या दिवसांमध्ये या ठिकाणी बॅरिकेड्स लावलेले नाही। कोणी तिकडून धावत मोठ्या प्रमाणामध्ये वाहतूक करतं त्यांच्यावर कोणाचं नियंत्रण नाही। या ठिकाणी व्यवस्थित सूचना फलक नाही विशेष अंतरावर, आणि त्यामुळे अशा या अवस्थेमध्ये लोकांचा जीव या ठिकाणी धोक्यात आलेला आहे। पुलिया की हालत बड़ी खस्ता है और उसी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा अपघात और जान जा सकती है। और इस पुलिया पे ना तो बैरिकेड्स है और ना ही ये पुलिया का जो टूटा फूटा निर्माण कार्य था वो भी इन्होंने किया नहीं। यहाँ पर प्रशासन ध्यान देने में आनाकानी कर रही है। वैया के विधायक भी इस जानलेवा पुलिया के हालात जानते हुए भी कुछ करने में असफल दिख रहे हैं। यहाँ से आने जाने वालों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी बांधकाम विभाग आंख मूंद के चुपचाप है। इस तरह अगर हालात रहे तो आने वाले दिनों में यहाँ बड़ी दुर्घटना होने से और नदी में गिरने की संभावना जताई जाती है। के विधायक आगे आकर जल्द से जल्द इस पुलिया का दुरुस्ती का काम संबंधित विभाग से कराकर आने जाने वालों को राहत देने की मांग की जा रही है और इस काम में अनदेखी करने वालों के संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। NBC न्यूज के लिए पारशिवनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।